हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों को और एक नए ब्लॉग में स्वागत है। मेरा नाम सबीर और आप सब लोग देख रहे हो सबीर बिग प्लस ब्लॉग। तभी सुबह का 9 बज रहे हैं फ्रेंड्स, और आप सब लोगों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक है, स्वस्थ है, मस्त है अपने अपने ज़िंदगी में। और फ्रेंड्स अभी सुबह में 9 बज रहा है और आप लोगों को मैं एक जगह लेके जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ। क्योंकि वो जगह आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, हम लोग का इधर जो गंगा नदी है ना, गंगा नदी, तो आप लोगों को मैं गंगा नदी दिखाऊँगा। चलो मेरे साथ, हाँ मेरे साथ बने रहो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट जरूर करना। और चलो अभी जाने के लिए मैं जो बाइक दिख रहा है ना, वो बाइक में जाऊंगा, क्योंकि वो हमारा जीजा जी का बाइक है और हम लोग दो भाई और एक बहना है। वो हमारा जीजा जी का ये बाइक है, देख सकते हो फ्रेंड्स। चलो उस वाला बाइक से जाऊँगा और आप लोगों को मैं लेके जा रहा हूँ। चलो मेरे साथ बने रहो और देखते रहो। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, ज़रूर मुझे सपोर्ट करना फ्रेंड्स, कि आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करके सब वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड्स। और ज़िंदगी में बढ़ने के लिए आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और मुझे सपोर्ट करते रहना। चलो फिर मेरे साथ, क्योंकि मैं अकेले ही जाऊँगा, किसी को साथ में नहीं लेके जाऊँगा। और ये वाला बाइक अभी लेके जाऊँगा फ्रेंड्स। और ये हीरो होंडा हीरो का माल है, एक्सट्रीम जो नया वर्जन है ना, नया मॉडल वाला मॉडल है। और गाड़ी तो चलाना आता है मुझे, कंटिन्यू गाड़ी नहीं, जब नहीं चलाता हूँ ना तो आदत जैसा छूट जाता है ना, वैसा होता है। और आप लोगों को मैं इस गाड़ी पे लेके जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ बने रहो। जब ये जो गाड़ी मिला है ना, क्योंकि अपना जीजा जी और अपना बहना घूमने के लिए आया है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये गाड़ी पे लेके जा रहा हूँ, नहीं तो मौका नहीं मिलता है। फ्रेंड्स अभी ये गाड़ी मिला है ना, तो जीजा जी के पास से मैं जो बाइक का चाबी है उसको बहुत फुसला के लिया हूँ मैं, और आप लोगों को मैं लेके जा रहा हूँ इसी गाड़ी पर। आज मौका मिला है इसीलिए आप लोगों को मैं बाइक से लेके जा रहा हूँ, क्योंकि बाइक से लेके जाऊँगा ना तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। अगर ऐसा साइकिल से या तो किसी दूसरा गाड़ी पर जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा फ्रेंड्स, इसलिए मैं इस बाइक को लिया हूँ जीजा जी के पास से। और अभी मैं आप लोगों को इसी बाइक से लेके जाऊँगा और जाने के लिए मैं रेडी हो गया हूँ। और चलो फ्रेंड्स, मैं घर से निकल गया हूँ, लगभग 1 किलोमीटर में रास्ता तय कर लिया हूँ। और सामने मार्केट है, तो आप लोग को मार्केट में दिखाऊँगा कभी। आप लोग अभी रास्ते पर हूँ मैं, क्योंकि अभी मार्केट, और ये सामने मार्केट है हम लोग का गांव से, लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूरी पे ये मार्केट है। और क्योंकि मैं अभी जिस जगह पे खड़ा हूँ ना, यहाँ से अपना मार्केट चालू होता है और बहुत बड़ा मार्केट है, तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कभी कभार। गांव उधर ही था, जो गंगा नदी पे जो ज़मीन काट करके जो गया है ना नदी पे, पहले वो साइड में था, गंगा नदी के साइड सब घर था। लेकिन वो सब भागने के बाद ना, उधर जब गंगा काटना चालू हुआ था उस टाइम डर के मारे सब लोग अपना उधर का जगह छोड़ के, सब अपना जो PW जगह है ना, इधर आके ये लोग घर उर बांध लिया है फिर, देख सकते हो। और ये लोग ना बहुत रिस्क पे रह रहा है कि ये वाला जगह का नाम सोकोल्लापुर है, और आप सब लोग देख सकते हो। क्योंकि अभी जो गंगा नदी जो यहाँ से 2 किलोमीटर है ना, तो अभी उतना गाँव अभी इधर है नहीं रास्ते का साइड पर, लेकिन 2-4 घर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। और देख सकते हो आप सब लोग, अभी गाड़ी भी मैं अकेले चला रहा हूँ ना, वीडियो भी मैं अकेले कर रहा हूँ, लेकिन बहुत रिस्क पे कर रहा हूँ मैं फ्रेंड्स। बस इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहना फ्रेंड्स। अरे सामने जो छोटा मोटा जो स्टैंड दिख रहा है, और वो जगह का नाम है अभी सोकोल्लापुर स्टैंड है इस जगह का नाम, और आप सब लोग देख सकते हो ये सोकोल्लापुर स्टैंड है। गंगा नदी बहुत नज़दीक है, लेकिन ये रास्ता जो गया है ना, ये रास्ता थोड़ा सा घूम के गया है इसीलिए थोड़ा सा दूर है। लेकिन अगर इधर से जाऊंगा ना तो बहुत नज़दीक है गंगा नदी, और ये पानी उनी अभी है नहीं, इसीलिए ये जो जगह जितना भी है ना पूरा अभी। फ्रेंड्स अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ना, ये जगह गंगा नदी है, लेकिन अभी पानी उनी है नहीं, इसीलिए जगह पूरा सूख गया है। आप सब लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो चारों साइड निकला है ना आप लोग, अभी पूरा जगह अभी सूखा ही मिल जाएगा देखने के लिए। और इधर देख सकते हो फ्रेंड्स, जो घर दिख रहा है ना उधर, वो मिट्टी का बाँध है, क्योंकि जब ये पानी उनी भर जाता है तो ये पानी रोकने के लिए वो बाँध बहुत काम पे आता है फ्रेंड्स। क्योंकि
पानी भी बहुत होता है ना, इसीलिए वो बात यार, ये जो बात है ना बहुत लंबा बात, ये बात जो बहुत लंबा बात है, क्योंकि ये और फिर यहाँ से लगभग अपना 15-20 किलोमीटर होएगा दूर, अपना ये जो पंचनपुरी स्टैंड है ना, यहाँ से लेकर लगभग 20 किलोमीटर होएगा, वो उधर फरक्का ब्रिज है, और जितना भी पानी उनी जाता है ना वो फरक्का ब्रिज से जाता है। आप लोग को मैं दिखाऊंगा, वो भी दिखाऊंगा, फरक्का ब्रिज भी दिखाऊंगा, हम लोग का गाँव से कितना दूर है यार, कैसा फरक्का ब्रिज है, आप लोगों को दिखाने का पूरा कोशिश करूँगा फ्रेंड्स। अभी देख सकते हो क्योंकि ये भी इधर जो मछली इधर खेती बाड़ी भी कर रहे थे फ्रेंड्स, उधर लगाया है, और अभी इधर जो हम लोग का गाँव में ईटा उठा पाता है ना, ये ईटा इधर चलो पत्ता लगा रहे फ्रेंड्स, देख सकते हो मैंने तो ये इधर तो पत्ता लगा दिया है, आग उग लगा दिया है, वो लगभग पूरा होने ही वाला है बेटा, और आप सब लोग देख सकते हो पूरा सा कभी पानी नहीं है नहीं, और आप लोगों को लोगों का दिख रहा है ना जो थोड़ा सा क्या है लग रहा है, उधर ही गंगा नदी है, और हम लोग का इधर का जो गंगा नदी है लगभग 4-5 शाखा है, क्योंकि 4-5 नदी हो जाएगा गंगा नदी का जो शाखा है ना उधर से आया है, तो इधर से गंगा नदी आया है इधर गया है, तो आप लोगों को मैं चलो मैं दिखाता हूँ गंगा नदी, और वो लोग वो जो लड़का लोग जो काम कर रहे हैं ना वो लोग मुझे बोला रहा है चलो उनका भी बात सुन लेता हूँ, क्योंकि सबका बात सुनना जरूरी है फ्रेंड्स, कि वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं और मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, हम लोग का इधर कैसा ईटा वटा काटने का काम है फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग का गाँव में सब कुछ काम होता है, ऐसा कुछ काम नहीं कि नहीं होता है, सब कुछ काम होता है, सब लोग देख सकते हो ये लोग काम कर रहे हैं, और ये लोग मुझे बुला रहा था क्योंकि अभी ईटा का उठाने का काम चालू है, इन लोग का लगा रहे हैं ना ये लोग, बाद में जमा हो गया है, बोल रहे कि हम लोग का इधर उतना चालू नहीं है ना, कि ये जो वीडियो वीडियो कर रहा हूँ ना हम लोग इधर चालू नहीं है, इसलिए ये लोग भी होप सोच रहा है कि वीडियो वीडियो कर रहा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो जितना भी हम लोग का गांव में जितना भी आदमी है ना सब आदमी मेहनती वाला है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स जो बच्चा है ना देखो अभी से वो लोग मेहनत करना चालू कर दिया फ्रेंड्स, थोड़ा काम को लेके जा रहा हूँ उधर गंगा नदी है ना, चलो फिर मुझे उधर गंगा नदी दिख रहा है, चलो फिर आप लोगों को मैं उधर गंगा नदी लेके जा रहा हूँ, और मेरे साथ बने रहो, और ये लोग मैं ये बच्चा लोग भी ना बहुत मेहनत कर रहे देख सकते हो फ्रेंड्स, क्योंकि ये लोग भी बच्चा है ना तो जो मन में आता है बोलता है, लेकिन बहुत अभी उन लोगों को बताया कि गाली वाली मत देना, ये लोग बच्चा है ना इसलिए गाली वाली भी दे देते हैं अपने अपने बीच में, लेकिन उन लोग को मना करने के बाद फिर जो भी लेने का था मैं लिया, उन लोगों का बात थोड़ा सा सुना मैं, और सुनना भी सबका बात जरूरी है ना, क्योंकि अपना बात सिर्फ बोलूँगा तो फिर नहीं चलने वाला है, सबका बात सुनना है, सबके साथ मिलजुल के चलना भी है, ठीक है ना फ्रेंड्स, चलो फिर आप लोग को गंगा नदी लेके जा रहा हूँ, जो स्टार्ट होता है नदी पे जो पानी रहता है ना इसी जगह से अभी चालू है पानी रहना, और देख सकते हो फ्रेंड्स क्योंकि मैं बहुत वो जो मरूर दिखता है ना वहाँ से मैं बहुत दूर आ गया हूँ, और आप सब चौड़ा नदी है लेकिन पानी है नहीं इसीलिए जगह पूरा सुख है, देख सकते हो पूरा अभी इधर काम कर रहे हैं, कि पहले तो किसी का जगह था लेकिन पानी सूखने के बाद ना वो जगह उन लोग के पास फिर आ गया है, जब पानी उनी भरता है ना उस टाइम फिर पानी जब भरता है वो लोग फिर अपना जगह छोड़ के भाग जाता है, जब फिर पानी सूखता है फिर उसके बाद फिर लोग उधर जो बाँस का झाड़ी उड़ी दिख रहा है ना उधर बाँस है मिट्टी का बाँस है, बहुत दूर आ गया हुआ अभी, और इधर ही देख सकते हो फिर ये गंगा नदी है अपना जो पानी जो स्टार्ट होता है यहीं से पानी स्टार्ट होता है, ये देखो ये नौके का काम चालू है, इसका नौका है ना इसका काम कर रहे हैं अभी, और ये जो गंगा नदी के जो पानी जो है ना इसके उस पार फिर जिसका जगह है जिन लोगों का जगह है ना उधर खेती बाड़ी भी कर सकते ये करता है फिर देख सकते हो खेती बाड़ी का भी काम उधर ज़्यादातर आप लोग को उस पार जो जल है ना उधर रेती मिट्टी ज़्यादा मिल जाएगा इसलिए उधर बहुत सारा फसल उसका जो बुना है ना उसका उधर बहुत दूर है, लेकिन कभी मैं उधर जाऊँगा ना पर आपको वो जगह दिखाऊंगा आपने, और गंगा नदी के उस पर फिर झारखंड है, झारखंड ये जो गंगा नदी है ना इस गंगा नदी के उस पर झारखंड है, और आप लोगों को मैं लेके जाऊँगा झारखंड,
जो गमला में दिखा उस बार कैसा है, इसका जो पोजिशन है, कैसा लुक है, आप लोगों में दिखाने का कोशिश करूँगा फिर। क्योंकि मैं कभी गंगा नदी पे जो नौका वौका चलता है ना, तो कभी मैं गया नहीं हूँ ना, इसलिए डर भी लगता है। और मैं जब जाऊँगा आप लोगों को दिखाने के लिए, फिर मैं चलूँगा तो फिर आप लोगों को पूरा फिर सब कुछ दिखाऊँगा। फिर आप सब लोग देख सकते हो अभी जो गंगा नदी है नहीं इसीलिए। और ये जो गंगा नदी है ना, इसका लगभग 4-5 शाखा है। ये लोग ना शाखा है गंगा नदी है ना, ये शाखा है। ये जो मेन गंगा नदी है वो बहुत दूर है, ये शाखा नदी है। ये गंगा नदी ये भी है लेकिन ये शाखा नदी है। और मेन गंगा जो है ना, गंगा नदी है वो बहुत दूर है। और पहले ना जो रास्ते से मैं आप लोगों को लेकर आया ना, मैं अभी बीच रास्ता बहुत दूर था, बहुत दूर, लगभग इतना 50-60 किलोमीटर और भी अंदर जाना पड़ता गंगा नदी देखने के लिए। जब छोटा था उस टाइम मेरे पापा के साथ में आया था एक बार, बहुत दूर लेके गया। जब गंगा नदी काट रहा था ना पानी में, उस टाइम देखा तो बहुत डर सा लग रहा था, हम लोग का घर बाड़ी भी पूरा चला जाएगा 250 किलोमीटर का। जब गंगा नदी काट रहा था उस टाइम लगभग कितना 10 एकड़ 5 एकड़ एक साथ पे जो जमीन ना रहता था गंगा नदी में, डर सा लग रहा था। जो माता ये भी गणेश चौधरी का इधर वो भी था, अपना मकान था। और इधर एक मकान वाला ये जो अपना नदी है, वो नदी आप लोगों को दिखाता हूँ। वो नदी के भाई उस नदी के पार जाने के लिए एक लोकल वाला लेकिन लोगों में दिखा सकते हैं। और आप सब लोग देख ही सकते हो फ्रेंड्स, क्योंकि अभी पानी उतना ही नहीं इसीलिए ये गंगा नदी है ना बहुत छोटा लग रहा है देखने में। लेकिन ये जो गंगा नदी है ना, जब पानी जब भरता है ना, ये बहुत डेंजर हो जाता है देखने के टाइम। पानी जब भरता है ना, ये जगह देखने में बहुत डर सा लग रहा है फ्रेंड्स। और आप सब लोग देख ही सकते हो कैसा भी इसका जो गंगा नदी का जो पोजीशन है ना, आप सब लोग देख सकते हो। और ये ऐसा देखने में लग रहा है कि ऐसा सीधा गया है वो गंगा नदी। और उधर ही आप लोगों को 15-20 किलोमीटर होएगा, फरक्का ब्रिज मिलेगा देखने के लिए। और नदी के उस पार अभी देखो फ्रेंड्स, कितना सारा खेती बाड़ी का काम चालू है अभी। देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है अभी, लेकिन पहले जो जगह था उस जगह से ये जगह ना बहुत नीचा है अभी। और जब पानी भरता है उस टाइम देखने में भी बहुत डर सा लगता है। और अभी देखो गंगा नदी के उस पार बहुत सारा जो सिमल का गाछ और खेती बाड़ी का सब अपना काम चालू है, आप सब लोग देख ही सकते हो। फिर ये काका ना इधर काम कर रहे हैं, देखो ये नौका का जो रिपेयरिंग हो रहा है ना। और ये काका देखो ये नौका साफ कर रहे हैं अभी, आप सब लोग देख सकते हो। जी भी ये काका को देख ही सकते हो। और ये नौका जो है ना, ये नदी के उस पार जाता है, चला चल होता है। और उधर बहुत सारा भी नौका वौका है फ्रेंड्स, कि इधर जब लेके जा रहे हो ना कैमरा, तो उस टाइम जो धूप का कारण ये कैमरा को जो वीडियो क्वालिटी वो ख़राब कर देता है, इसीलिए देख सकते हो फ्रेंड्स। गंगा नदी का जो पोजीशन है आप सब लोग देख सकते हो। जो लोखंड वाला जो ब्रिज था ना उधर था, उसका एक पाया उधर खड़ा है अभी भी। तो चलो फिर वो आप लोगों को, वो ब्रिज था ना, वो ब्रिज का जो एक पाया है वो दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स, चलो। और ये गंगा नदी के साथ दो नदी हम लोग का इधर जुड़ा हुआ है, एक भागीरथी नदी है और एक पगला नदी बोलता है उसको। तो पगला नदी में अभी पानी नहीं है नहीं, क्योंकि उधर मतलब जो मिट्टी का जो बाद है ना वो दे दिया, इसलिए अभी गंगा नदी का पानी उधर जाता नहीं है, वो पूरा नदी अभी सूखा है। और आप सब लोगों को मैं दिखाऊंगा, चलो फ्रेंड्स आप सब लोग अनुमान लगा सकते हो फ्रेंड्स कैसा अपना इधर का गंगा नदी जो है ना देख ही सकते हो। और ये जो नौका वौका है ना, ये नौका सब उधर जाता है नदी के उस पार, झारखंड बिहार जाता है, कि झारखंड बिहार से भी बहुत सारा आदमी हम लोग का डिस्ट्रिक्ट आता है इसीलिए। और अपना गांव वाला भी बहुत उधर है, अपना जो जगह का है ना, तो वो लोग फिर अपना जगह पे चला गया है झारखंड, कि उन लोग का जगह है उधर, तो बहुत सारा आदमी लोग फिर उधर घर बाड़ी भी बांध लिया है फ्रेंड, इसीलिए वो लोग उधर भी चला गया है। जब पानी उनी जब भरता है ना उस टाइम, फिर वो लोग भाग के इधर उधर फिर चला जाता है फ्रेंड्स। चलो फिर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ फ्रेंड्स। ये गंगा नदी ना बहुत सारा आदमी का ज़िंदगी ख़राब भी किया है, और बहुत सारा आदमी का फिर ज़िंदगी बहुत अच्छा भी किया है। मैं ऐसा बात क्यों बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो गंगा नदी पे जिस जिसका ज़मीन लिया था ना, गिरा था, उस टाइम उन लोगों को अपना जो राज्य का जो CM था, तो
मुख्यमंत्री था उसने उस टाइम घोषणा किया था कि जिसका भी इधर गंगा नदी में जमीन उमीन गिरा है ना सबको एक एक नौकरी मिलेगा। और जिसका जो जमीन गया था जो अपना जो पर्चा उर्चा जो जमीन का जो पूरा प्रमाण दिखाया था ना उस टाइम फिर एक लैंड यूजर सर्टिफिकेट भी दिया था फ्रेंड्स, तो जिसको ये लैंड यूजर सर्टिफिकेट मिला था उन सबको अभी देखो फ्रेंड्स एक एक सरकारी नौकरी मिला है। और उन लोग को भी एग्ज़ाम देना पड़ता था लेकिन उन लोगों के लिए ना बहुत आसान कर दिया है उन लोगों के लिए क्योंकि जब वो लोग लैंड यूजर सर्टिफिकेट शो करता है ना उन लोगों को तुरंत सरकारी नौकरी मिल जाता है। जो सीएम था उस टाइम सीपीआईएम का मुख्यमंत्री था उसने घोषणा किया था और अभी देखो बहुत सारा आदमी का जिंदगी भी अच्छा कर दिया है। जिस जिसका जमीन गया था लेकिन उन लोग प्रमाण नहीं कर पाया था फिर उन लोगों का जिंदगी देखो फिर बहुत सारा आदमी का जिंदगी खराब भी किया है और देख सकते हो फ्रेंड्स। और ये गंगा नदी है ना जब गंगा नदी जब काट रहा था ना उस टाइम आया था देखने के लिए वो ऐसा डर लग रहा था कि क्या बताओ जो घर बाड़ी जिस चीज़ का भी गिर रहा था। और नदी के वो साइड बहुत सारा नौका वोका है अभी वो गंगा नदी के उस पार जाता है तो आप लोगों को मैं उसी जगह पे लेके जा रहा हूँ चलो मेरे साथ। जो ये जो नौका वोका दिख रहा है ना ये सब छोटा मोटा नौका है अभी और अभी हम लोगों के इधर तीन टाइम जाता है ये झारखंड बिहार के लिए नौका रवाना होता है। एक सुबह 9 बजे रवाना होता है और एक 11 बजे और एक 3 बजे सिर्फ जाने का टाइम है लेकिन आने का क्या टाइम है वो मुझे मालूम नहीं है लेकिन मैं एक किसी अंकल को पूछा तो वही वो टाइम बताया क्योंकि एक 9 बजे जाता है एक 11 बजे जाता है और एक 3 बजे जाता है। और इधर बहुत सारा अभी नौका का है और अभी झारखंड बिहार जाने के लिए देख सकते हो फ्रेंड्स बहुत सारा आदमी उधर है और अभी ये नौका का जाएगा जाने के लिए। और एक सामने एक लॉन्च भी है लेकिन उसका काम चालू है सब लोग देख ही सकते हो फ्रेंड्स। इधर बहुत इधर जो जितना भी आदमी पीछे जो खड़ा है ना ये सब बिहार जाएगा और अभी टाइम है अभी 3 बजने वाला है इसीलिए इधर जो जितना भी आदमी जाने का है ना उनका भी इधर भीड़ लगा दिया जाने अभी कौन सा नौका जाएगा तो अभी नौका वो रेडी भी हो रहा है फिर और बहुत सारा भी आदमी उदमी आ रहा है जाने के लिए जाएगा झारखंड जाने के लिए। काम चालू है देख सकते ये सब नौका जा रहा है उधर झारखंड बिहार जाने के लिए फिर बहुत सारा नौका वोका है इधर जाने के लिए लेकिन अपन अपना टाइम पे जाता है सिर्फ। अभी मैं ये नौका में चढ़ गया हूँ देख सकते फिर इसमें आ गया हूँ। अरे इंजिल वो जाने के लिए वो नौका अभी रेडी हो रहा है देख सकते हो जब भी आदमी भी जा है ना अभी वो नौका जाएगा झारखंड उस पर जाएगा और अभी देख सकते हो बहुत सारा आदमी ऊपर है गंगा नदी में देखने में बहुत सर बहुत डर सा लग रहा है। चलो फिर आप लोगों को मैं उधर लेके जा रहा हूँ और अभी एक साथ दो नौका जाएगा ये नौका और वो वाला नौका दो इनों का भी रेडी हो रहा है फ्रेंड्स बहुत सारा आदमी इधर भी बैठा है जाने के लिए। ये लॉन्च है बहुत लंबा लॉन्च है ये लेकिन ये लॉन्च अभी अच्छा नहीं है ख़राब है देख सकते हो फ्रेंड्स कि ये जो लॉन्च है ना पूरा ख़राब हो गया है लॉन्च। जब मैं पहले बार आया था एक बार आया था मैं बहुत दिन पहले जब आया था ना उस टाइम ये लॉन्च चल रहा था लेकिन अभी ये लॉन्च ना बहुत ख़राब हो गया है और आप सब लोग देख ही सकते हो फ्रेंड्स कैसा लॉन्च का हालत है अभी। और आप लोगों को मैं थोड़ा सा अंदर लेके जाऊंगा ये लॉन्च के अंदर जो है ना उधर लेके जाऊंगा चलो। और इधर देखो ये शादी ट्रैक्टर में शादी जा रहा है देख सकते हो उधर गाना वाना बज रहा है और इधर जब कैमरा करता हूँ ना उस टाइम कैमरा ख़राब आ जाता है और आप लोग देख सकते हो ये लॉन्च का हालत कैसा है। और देखो फ्रेंड्स जो नौका है ना दो साइड ही ख़राब है उधर भी ख़राब है इधर भी ख़राब है और इसका पोजिशन कैसा है देख सकते हो फ्रेंड्स। अरे गंगा नदी के ऊपर में इसको रख दिया है उठा के और ऊपर देखो
पर अपना ड्राइव जो लोन चलाने का जो कैप्टन होता है ना वो बैठा था उधर हैंडल वैंडल है। और आप लोगों को मैं उधर लेके जा रहा हूँ, चलो कि अकेला जा रहा हूँ ना, डर सा भी लग रहा है लेकिन क्या करूँ, दिखाना भी पड़ेगा आप लोगों को। लॉन्च के अंदर हूँ मैं बहुत अच्छा लग रहा है, जब लॉन्च पे चढ़ा हूँ ना बहुत अच्छा लग रहा है कि ज़िंदगी में कभी तो मैं चढ़ा भी नहीं हूँ, और इधर आप इसलिए अभी इधर में चढ़ गया हूँ देख सकते हो। और ये इधर इंजन उंजिल है, इसके जो डब्बा है ना इसके अंदर इंजिल है फ्रेंड्स। और इधर सब पैसेंजर बैठने के लिए इतना सारा भी टेबल उबिल है देख सकते हो फ्रेंड्स। देखो एक कमरे का जैसा ही है लेकिन इसके अंदर इंजन है फ्रेंड्स। और जो है ना इधर टॉयलेट है, दोनों टॉयलेट है, ऊपर जाने के लिए सीढ़ी भी नहीं दिख रहा है फ्रेंड्स। ऊपर जाता ना तो थोड़ा सा अच्छा लगता देखने में, लेकिन सीढ़ी नहीं दिख रहा है इधर ऐसी। और ये जो बोर्ड है ना पूरा ख़राब हो गया है अभी देख सकते हो, ये जो पूरा जो बोर्ड है ना ये पूरा ख़राब हो गया है। अभी ऊपर कैसे जाऊँ वो रास्ता ही नहीं मिल रहा है। और मैं इसके थ्रू से मैं ऊपर जाऊँगा तो आप लोग मेरे साथ बने रहो, मैं ऊपर जा रहा हूँ। फिर मैं ऊपर आ गया हूँ, आप सब लोग देख सकते हो इधर ड्राइवर बैठने का कैप्टन जो है ना वो लॉन्च चलाता था। और ये उसका कमरा है, पूरा हैंडल वैंडल है इसका देख सकते हैं। ये लॉन्च चलाने के लिए जो होता है ना यार्ड व्यार्ड है सब लोग देख सकते हैं। क्यों मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी इसके ऊपर आ गया है ना, और देख सकते हैं गंगा नदी है। क्योंकि अभी ये चूना लॉन्च है ना इधर टूटा फूटा रहेगा, उसके ऊपर चला जाऊँगा तो फिर टूट जाएगा, इसीलिए डर से भी लग रहा है। फिर ऊपर नहीं जाऊंगा, डर लग रहा है वो इतना एयर लॉन्च है ना इसीलिए इसके ऊपर नहीं जाऊंगा। घर बारी है उधर देख सकते हो, ये बाद है मार्केट के रखा है बात को। उधर के बहुत सारा आदमी ना लगाते हैं वो बताते हैं उधर झारखंड जाने के लिए लोखंड वाला जो ब्रिज था ना जो घर दिख रहा है उधर ही पिलार है, सिर्फ एक ही पहचान है उधर। पूरब में जब सूरज उठता है ना तो पश्चिम हम लोगों के लिए इधर गिरता है, और इधर ही सूरज है आप सब लोग देख सकते हो। क्योंकि जब कैमरा इधर लेके आता हो ना उस टाइम कैमरा का जो क्वालिटी होता है ख़राब कर देता है, और सूरज इधर ही हम लोग के इधर ही सूरज जब पश्चिम पूरब से जब पश्चिम आता है तो इधर ही डूबता है। और आगे देख सकते हो फ्रेंड्स ये जो जगह दिख रहा है ना जो खेती बाड़ी जो हो रहा है इसके उस पार फिर एक नदी है, और वो देखो फ्रेंड्स बहुत अभी वो चौड़ा भी बहुत नदी है। लेकिन आप लोगों को मैं कभी लेके जाऊँगा ना तो दिखाऊँगा, इधर से जाऊंगा ना तो वो नदी पे जा सकता हूँ, क्योंकि इधर से नहीं जा सकता हूँ। अगर इधर से जाऊंगा तो फिर पैदल जाना पड़ेगा, मुझे खेती जो है ना उसके अंदर अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन इधर से जाऊंगा ना तो आप लोगों को फिर पूरा दिखा नहीं पाऊंगा। और कभी भी मैं जाऊंगा ना उधर झारखंड जाऊंगा ना तो आप लोगों को मैं ये जो बोर्ड दिख रहा है ना जो नौका उका इससे जाऊँगा, इसके थ्रू से जाऊँगा तो आप लोगों को मैं पूरा फिर दिखाने का कोशिश करूँगा फिर, और बहुत जल्दी जाऊँगा। बस मेरे वीडियो को इसी तरह सपोर्ट करते रहना, और आप लोग इतना चीज़ दिखाऊँगा ना ज़िंदगी में कभी भी ख़त्म नहीं कर पाऊँगा, इतना चीज़ है दिखाने के लिए। और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहना फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा ना तो उत्साहित ज़्यादा बढ़ता रहेगा, तो मुझे वीडियो भी बहुत बनाना अच्छा लगेगा। और आप लोग का सपोर्ट की तो ज़रूरत है फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करते रहोगे तो उत्साहित ज़्यादा मिलता रहेगा फ्रेंड्स। आप सब लोग देख सकते हो
फ्रेंड्स, पहले जो नदी गंगा नदी के साथ जुड़ा हुआ था ना, जो लोखंड वाला ब्रिज जो था पहले, ये नदी के ऊपर इसको बीच था, क्योंकि जब रास्ता था ना, वो जो ब्रिज वाला रास्ता जब था, वो नदी के उस पर जाने के लिए एक लोखंड वाला ब्रिज था, लेकिन अभी बाद दे दिया है ना। और अभी जो वर्तमान में जो ब्रिज ना, ये एक बाद है, और ये नदी है फ्रेंड्स। और आप सब लोग देख सकते, ये नदी जो है ना, नदी में अभी पानी उनी है नहीं, और इधर भी जितना भी जगह का सूखा है ना, सब जगह के ऊपर अभी खेती बाड़ी और अपना अपना जो भी काम होता है ना, वो लोग अभी कर रहा है। और आप सब देख सकते फ्रेंड्स, और ये जगह ना पूरा अभी सूखा है, थोड़ा सा पानी है, सिर्फ उधर पानी है। आप सब लोग देख सकते फ्रेंड्स, ये पानी उनी जो है ना, सब पूरा सूखा है। अभी इधर भी देख सकते हो, अभी दीवार उबार देख रहा है, इधर कुछ कर रहा है। और अभी मैं जो जिस जगह में खड़ा हूँ, जिस जगह बाद है, आप सब लोग देख सकते हो नदी पूरा सूख गया है। अभी जो जगह पे मैं खड़ा हूँ ना, ये भी पहले कभी नदी हुआ करता था, लेकिन अभी ये नदी नहीं है, और इस नदी पे अभी उतना पानी भी नहीं है, क्योंकि इस नदी में पानी नहीं होने का एक ही कारण है, वो गंगा नदी के साथ ये भी जुड़ा था, लेकिन ये जो नदी है ना, गंगा नदी, और ये जो ये नदी का नाम है, बगला नदी बोलता है इसको, लेकिन ये गंगा नदी और इस नदी के बीचों बीच एक बांध दे दिया है ना, इसलिए गंगा नदी के साथ ये अभी जुड़ा हुआ नहीं है। इसका अलग अभी बन गए बांध देने के बाद ना, ये नदी में उतना पानी नहीं है, नहीं इसलिए। और आप सब लोग देख ही सकते हो, थोड़ा सा ही पानी है, लेकिन जितना भी पानी नहीं है ना, इस पानी पे अभी मच्छी उच्छी पालन करना होता है। और इधर भी देख सकते हो, इधर भी थोड़ा सा गोबा है, सिस्टम बना दिया है, लेकिन इधर भी मच्छी पालन होता है। और इस नदी के बीचों बीच एक रास्ता बना दिया, क्योंकि गांव, ये नदी के इस पार भी गांव है, नदी के इस पार भी देख सकते हैं बहुत सारा गांव है अभी, इसलिए रास्ता शॉर्टकट करने के लिए रास्ता तो बना दिया इधर। देख सकते हैं जो जगह में पानी नहीं है ना, उधर गाड़ी हो रहा है, देख सकते हैं जो भी छोटा मोटा काम होता है ना, इस जगह में करता है आदमी लोग। और देख सकते हो पीछे आयुष, और आयुष का मम्मी था, लेकिन उन लोगों को मैं लाने के लिए गया था, अभी बहने का जो घर है ना इधर ही है, उन लोगों को बैठा लिया, आगे इधर ही आया था, गंगा नदी के बगल ही है ना यार, इधर ही तो सोचा कि उसको ले लूँ, इसलिए और बैठा लिया उनको। देख सकते हो इस नदी का नाम है पगला नदी, मुझे मालूम नहीं था, लेकिन इसको मालूम है ना, इसलिए इसने बता दिया। तो चलो फिर, जब ये जब लोखंड वाला ब्रिज था ना, उसका सिर्फ एक ही पाया बचा है, और ये देख सकते हो फ्रेंड्स, यही पाया है, सिर्फ यही पहचान है लोखंड ब्रिज का। और बाकी सब जो लोखंड का ब्रिज जो था, वो अभी पूरा गंगा नदी के अंदर चला गया है। ये जो अपना जो कीचड़ वाला रास्ता है ना, इसके ये जॉइंट है, और ये रास्ता पहले जा रहा था बहुत दूर, लेकिन अभी उसका पहचान वहचान कुछ है नहीं, इसलिए रास्ता भी बहुत छोटा हो गया है, और वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स। आप लोगों को फिर मैं बाद में दिखाऊंगा सब कुछ, कि पूरा चीज़ फिर आप लोगों को एक साथ दिखाऊंगा ना, तो वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा, और आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर बाद में आप लोगों को कुछ दिखाऊंगा, बताऊंगा, और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहना फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट करना फ्रेंड्स, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कॉमेंट शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड्स, और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहना। और फ्रेंड्स चलो फिर मैं यहीं से विदाई लेता हूँ, और आप लोग के लिए फिर नया कुछ लाऊंगा, कुछ बताऊंगा, दिखाऊंगा। आप लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार फ्रेंड्स, गुड बाय फ्रेंड्स।